हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो में हम साउथ मूवी एक्टर रामचरण सर के इस वाले रेफरेंस फोटो की ड्राइंग करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को करने के लिए A4 साइज के आइवरी के स्मूथ वाले पेपर का यूज करेंगे। एंड इसी के साथ इस ड्राइंग को करने के लिए हम यहाँ पर सिंपली ग्रिड मेथड का यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ड्राइंग ग्रिड फॉर दी आर्टिस्ट एप्लीकेशन का यूज करके रेफरेंस फोटो के ऊपर कम्प्लीट ग्रिड लाइन्स को अप्लाई कर दिया है। एंड अगर आप लोगों को भी इसी रेफरेंस फोटो को ड्रॉ करना है तो सिंपली इस ग्रिड यूज रेफरेंस फोटो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप लोग वहां से इजिली रेफरेंस फोटो को डाउनलोड कर लेना। इसके बाद गाइस, अगर हमें सेम रेफरेंस फोटो जैसे ग्रिड लाइंस A4 साइज के पेपर पर बनाना है तो सिंपली हमें पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़-छोड़ के मार्क करना होगा। तो चलो सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर ड्राइंग शीट पर ग्रिड लाइंस को अप्लाई करने के लिए पेपर के ऊपर की तरफ 2 सेमी छोड़-छोड़ के 20 सेमी तक मार्क कर रहा हूं। इसके बाद नीचे की तरफ भी आप लोगों को सिंपली पेपर के ऊपर की तरह वैसे ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के 20 सेमी तक ही मार्क कर लेना है। एंड गाइस, इसके बाद अब मैं सिंपली पेपर के दोनों तरफ वैसे ही 2 सेमी छोड़ छोड़ के ही मार्क करूंगा, पर इस बार मैं पेपर के दोनों साइड 2 सेमी छोड़ छोड़ के 28 सेमी तक मार्क कर रहा हूँ। गाइस, हमने पेपर के चारों तरफ 2 सेमी छोड़ छोड़ के कंप्लीट मार्क कर लिया है। इसके बाद मैंने सिंपली ये जो पेपर के दोनों साइड मार्क किया है, इन मार्क को मैं आपस में एक लाइन में मैच कर रहा हूँ। इसके बाद गाइस, अब हमें सिंपली पेपर के अपोजिट साइड में भी बिल्कुल इसी तरीके से दोनों मार्क को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से में मैच कर लेना है। पेपर पर दोनों तरफ लाइनिंग भी कंप्लीट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली रेफरेंस फोटो जैसे सेम नंबर अपनी ड्राइंग शीट में भी लिख लेना है। गाइस, मैंने यहाँ पर रेफरेंस फोटो जैसे कंप्लीट ग्रिड लाइंस को अपनी ड्राइंग शीट में भी अप्लाई कर दिया है। इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पर इस ड्राइंग को चश्मे के इस वाले पार्ट से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो सिंपली ये वाला पार्ट किस बॉक्स में है, मैं सिंपली उसी नंबर के बॉक्स से अपनी ड्राइंग शीट में भी ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। तो जैसे कि ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4 और ऊपर से नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो गाइस यही नंबर मैं अपनी ड्राइंग शीट में भी काउंट कर ले रहा हूँ। तो जैसे कि ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4 और ऊपर से नीचे की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो गाइस जब मैं सिंपली इस नंबर के बॉक्स से ड्राइंग को स्टार्ट कर दूंगा। Thank you.